फ्राई पैन ले लिया मैंने, एक कटोरी मूंगफली डालेंगे और इनको हम रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। छः से सात मिनट हो गए, मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, छिलका उतरने लगा है। इसको अभी हम गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे। मिक्सी का जार ले लिया है, मूंगफली को डाल देंगे इसमें। साथ में ही हम डालेंगे एक छोटा, मैंने इमली का टुकड़ा लिया है, आधा इंच से कम अदरक है, चार से पांच लहसुन की कली है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हो तो आप दो ही डालें। एक चम्मच लाल मिर्च, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच ही नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। और एक कप लिया है मैंने पानी, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है, देखिए एक कप पानी मेरा पूरा लग गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। तड़का पैन को गरम कर लिया है, एक चम्मच हम तेल डालेंगे, तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, एक छोटा चम्मच हम राई डाल देंगे, राई को चटकने देते हैं। आठ से दस कड़ी पत्ता ये भी डाल देते हैं और दो मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, इसको भी डाल देंगे, थोड़ा मिला लेते हैं। और एक से दो पिंच हम डालेंगे हींग, अब इनको मिला देते हैं अच्छे से। तड़का हमारा तैयार हो गया, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और डाल देंगे चटनी के ऊपर